पहला प्रश्न ये है कि व्यवहार सम्यक दर्शन मुनि मुनि महाराज को नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन श्रावक को पहला होगा या निश्चय सम्यक दर्शन श्रावक को पहला होगा, ज्वलंत प्रश्न और अकाट्य उत्तर चाहिए इसके लिए। ज्वलंत प्रश्न के लिए उत्तर कैसा होना? अकाट्य। अकाट्य का मतलब भगवान ने जो इसकी परिभाषा बताई थी, मेल बिठाया था, वो मेल सुनने को मिलना चाहिए, सुनाई देगा तो अकाट्य की कोटि में आता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अकाट्य होना चाहिए उत्तर। आप ये बताइए, सोचिए, आपकी बुद्धि जहाँ तक है उतना ही सोचिए, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, अधिक भी नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उतना ही वो कह पाएगा, ज़्यादा पूछने से दुकान में माल ही नहीं है तो और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, थोड़ा तो कहीं किसी कोने में रखा हुआ हो तो उसको भी दो, ले जाता हूँ। ग्राहक ये पूछेगा तो उनको दे सकोगे? नहीं, सब कुछ दे दिया भाई, नहीं नहीं थोड़ा सा और, नहीं कुछ नहीं मेरे पास, अब इतना ही है, इतना ले जाओ, हम जब कंपनी से और बुला लेंगे तो फिर और आपको, आपके लिए निकाल के भी रखेंगे, पहला सा एडवांस बुकिंग करके डालो। आपके अपनी बुद्धि के अनुसार ये उत्तर देना, व्यवहार सम्यक दर्शन पहला होगा या निश्चय सम्यक दर्शन पहला होगा, कौन सा घटित अपने जीवन में पहला घटित होगा? व्यवहार, इसमें कोई शंका? इसमें कोई शंका नहीं, आप भ्रमित तो नहीं है ना कि व्यवहार बोल रहे हो? तो क्या महाराज निश्चय भी है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि निश्चय भी है इसलिए भ्रमित हो या ना हो, ये पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्यवहार के बिना, देखिए व्यवहार और निश्चय ये दोनों सम्यक दर्शन है। भगवान ने स्पष्ट कहा है इसमें से एक कारण रूप है और एक कार्य रूप है। कहा क्या नहीं कहा? किसी भी शास्त्र उठा करके पढ़ लोगे तो ये समझ में आएगा, एक कारण है और एक कार्य है। इसमें अब आप ही उत्तर दे दो, इसमें कारण कौन सा है और कार्य कौन सा है? व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है। भगवान के वाणी के अनुरूप आप परीक्षित कर लो, आपने जो उत्तर दिया वो सही है क्या गलत है, शास्त्र खोल करके देख लो। भगवान ने कहा, यदि ये कहा है कि व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि नहीं होती है, कहा है क्या नहीं कहा है? कहा है। तो व्यवहार क्या हो गया? कारण हो गया। और व्यवहार सम्यक दर्शन को पाने के लिए, उसके लिए भी आपके तरफ से कोई प्रयत्न, पुरुषार्थ, कोई तकनीकी होना चाहिए क्या नहीं, और करते हैं क्या नहीं? करते हैं। कब करते हैं? जब वो दोनों सम्यक दर्शन आपको चाहिए तभी करोगे ना। विकल्प कब होगा? मुझे चाहिए ऐसा, वो दोनों मुझे चाहिए ऐसा विकल्प कब होगा? जब ये दोनों कारण और कार्य सम्यक दर्शन के, जो मोक्ष मार्ग कहलाते हैं, उस मार्ग पर जाने की तीव्र अभिलाषा आपके भीतर जगेगी। और ये अभिलाषा ही नहीं है तो न तो व्यवहार सम्यक दर्शन होगा न निश्चय सम्यक दर्शन होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो व्यवहार सम्यक दर्शन वह है
जो आपके जीवन में अपनी आसक्ति, रुचि, श्रद्धा उस पर डिपेंड करेगा। आप प्रयत्नशील बनोगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन का लाभ होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे व्यवहार के लिए क्या करना पड़ता है, व्यवहार के लिए भी कुछ करने के व्यवहार हैं, इसको भी समझ लो। अभी बताया हमने, विकल्प दो प्रकार के होते हैं, अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प। केवल सम्यक दर्शन ही पाना हो, केवल सम्यक दर्शन ही पाना हो, और कौन सा सम्यक दर्शन, जो श्रावक अवस्था में प्राप्त होता है, देवगति में प्राप्त होता है, नरक में प्राप्त होता है, त्रिरंज गति में प्राप्त होता है, और जिसके प्राप्ति के पश्चात चौथा गुणस्थान बनता है, वह सम्यक दर्शन। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि अशुभ का त्याग करो और शुभ में आओ, समझ रहे, बहुत गहराई से बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर ये बिंदु समझ में आ गया तो जीवन पलट जाएगा। क्या समझा रहे हैं? श्रावक धर्म में चौथे गुणस्थान में कौन सा धर्म है? श्रावक धर्म है क्या, मुनि धर्म है? पंचम गुणस्थान में कौन सा धर्म है? श्रावक धर्म। छठे गुणस्थान में कौन सा धर्म प्रकट होता है? मुनि धर्म। वहाँ भी सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? वो मुनियों का है क्या श्रावकों का है? और चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन मुनियों का है क्या श्रावकों का? तो श्रावकों का सम्यक दर्शन अलग है और मुनियों का सम्यक दर्शन अलग है, ये तो स्पष्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमको मुनि बनने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लग रहा हो, और श्रावक धर्म संबंधी सम्यक दर्शन प्राप्त हो, वो श्रावक का ही धर्म है, वो सम्यक तो श्रावक का धर्म जो चतुर्थ गुणस्थान संबंधित होता है, तो उससे मतलब रखता है। तो किसको याद करता है वो इसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को याद करेगा क्या नहीं करेगा? धर्मात्माओं को याद करेगा क्या नहीं? भगवान भी धर्मात्मा हैं। गुरुओं को याद करेगा क्या नहीं? गुरु भी देवता हैं, गुरु देवता। भगवान भी देवता हैं, प्रभु देवता। दोनों की श्रद्धा करेगा क्या नहीं करेगा? ये जो मैं माल मांग रहा हूँ उनके दुकान में ही है, ये पहले से पता है क्या नहीं है? पता होते हुए भी यदि उनकी उपेक्षा करेगा तो उनको कह सकते हैं कि चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन मुझे चाहिए और उसमें आसक्ति है, और मुझे न भगवान चाहिए न साधु चाहिए। कह सकता? नहीं कहेगा ना। और यदि कहे तो क्या सम्यक दर्शन का लाभ हो जाएगा? क्योंकि कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कहा है कि नहीं कहा है? तो तत्वार्थ का श्रद्धान का तात्पर्य होता है उसमें जो हे तत्व है उसको छोड़ो, उपादे तत्व है उसको ग्रहण करने का लक्ष्य रखो, दोनों को उपादेय मत समझो, दोनों को ग्रहण करने योग्य मत समझो। बंद तत्व ग्रहण करने के योग्य है क्या? आश्रव तत्व ग्रहण करने के योग्य है? प्राप्तव्य है और प्राप्त करना आवश्यक है क्या आत्म कल्याण के लिए? अरे आत्म कल्याण की दिशा में आप बढ़ रहे हैं तो हमेशा आपको बंद तत्व और आश्रव तत्व ये दोनों सदा सदा के लिए हे ही रहेंगे। आश्रव तत्व और बंद तत्व हे रहेंगे, और हे समझने के बाद भी ये आश्रव बंद रुकता नहीं है, रोकने के लिए ही मोक्ष मार्ग में विद्यमान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र
इनमें से एक या तीनों सब चाहिए। जिनके पास तीनों हो, जिनके पास तीनों हो उनके पास निर्जरा भी होती है क्या नहीं? तो वह निर्जरा जो मुनि जीवन में होती है और जिस निर्जरा को मोक्ष का कारण समझा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कहा जाता है, तो वो निर्जरा करने वाले वो या तो साधु परमिष्ठि होना चाहिए, या तो आचार्य परमिष्ठि होना चाहिए, या तो उपाध्याय परमिष्ठि होना चाहिए। तीन में से कोई भी समझ लो उसमें रहते हैं। किस गुण स्थान में रहते हैं ये? छठे सप्तम में रहने वाला जो धर्म है वो केवल साधु के पास भी होता है कि नीचे भी होता है? साधु के पास। और जो चौथे गुणस्थान में श्रावक का धर्म है वो साधु के पास होता है क्या? गर्वित है? नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। गर्वित होगा तो दोनों विकल्प साथ में रहेंगे। कौन से? अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प। आप गर्वित कहोगे उनके पास चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन है, ये कहोगे तो चौथे गुणस्थान के सम्यक दर्शन में और छठे गुणस्थान के सम्यक दर्शन में जबकि जमीन आसमान का अंतर है, यहाँ का संवर की संख्या अलग है, इसके साथ वहाँ के संवर और निर्जरा की संख्या अलग है, परिभाषा भी अलग है, तो दोनों एक होने का प्रसंग आएगा। कैसे गर्भित कहेंगे बताओ? देखो नाम, इसका नाम क्या है? श्रावक। श्रावक सम्यक दर्शन, उसका नाम क्या है? मुनि सम्यक दर्शन। तो मुनि सम्यक दर्शन में भी श्रावक सम्यक दर्शन शामिल हो जाए, बाधा नहीं आएगी क्या? मतलब वो दोनों काम करने लग जाएंगे। यहाँ जो संवर निर्जरा उसका भी वहाँ दर्शन होगा और मुनि धर्म का जो संवर निर्जरा होगी उसका भी एक साथ दर्शन होंगे। एक साथ दर्शन होते हैं क्या? एक के दर्शन होता है, एक ही होता है। अगर श्रावक के सम्यक दर्शन को ही अलग से चखना चाहते हैं, रुचि लेना चाहते हैं, तो चौथे में आना पड़ेगा आपको। अगर पंचम गुणस्थान के इस व्यवहार सम्यक दर्शन को भी आप चाहते हैं तो पंचम में ही जाना पड़ेगा, उससे पहले उसकी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि पंचम गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन है वह भी व्यवहार है, छठे में है वह भी व्यवहार है, यहाँ चौथे में है तो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। अपनी जगह अपना अपना सम्यक दर्शन अलग अलग है और जो जो सम्यक दर्शन जहाँ जहाँ है उस धर्म का भी लक्षण अलग अलग है। सम्यक दर्शन यदि धर्म है, धर्म के कोटि में आता है तो आता है, कोई शंका नहीं। सम्यक दर्शन यदि धर्म है, धर्म के कोटि में आता है तो आता है, कोई शंका नहीं। लेकिन वह धर्म श्रावक का है या मुनि का या प्रतिमाधारियों का सम्यक दर्शन है या नीचे ऊपर का, ये प्रश्न तो आएगा। और जो सम्यक दर्शन जिसके पास है उसका लक्षण, उसका जो लक्षण है वह लक्षण उस निर्जरा से, उस संवर से जुड़ा हुआ रहेगा क्या नहीं? जुड़ा रहेगा। और ऐसे लक्षण से युक्त व्यवहार सम्यक दर्शन को धारण करना, यह उस संवर तत्व से और निर्जरा तत्व से जुड़े बिना इसकी उत्पत्ति भी तो नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? बहुत सरल कर रहा हूँ, उलझा हुआ विषय जो सालों तक हम चिंतन नहीं कर पाए, जिसका उत्तर नहीं मिल पाया, उसको भी निकाल निकाल कर चिंतन के बल पर आपको उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए,
बाल्य अवस्था व्यतीत होने के बाद क्या युवा अवस्था में भी बाल्य अवस्था की अनुभूति मिलेगी? तो जिस समय में चौथे गुणस्थान में हमको सम्यक दर्शन का लाभ हुआ था, उसका जन्म हुआ था, वो बचपन है। वो शैशव अवस्था का सम्यक दर्शन, उसके साथ जो अनुभूति मिलेगी वो वहीं मिलेगी क्या? ऊपर भी मिल सकेगी? इसलिए उसको उसमें गर्वित है कहना दोषपूर्ण होगा, दोषपूर्ण होगा, वो अकाट्य नहीं कहलाएगा। कोई भी चीज हम बोलते हैं तो अकाट्य होना चाहिए। हाँ, अब देखिए, हमने यहां तक तो कह दिया चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नाम पाता है, सबका एक सा नहीं है, क्या नहीं? धर्म में अंतर है तो सम्यक दर्शन में भी भेद पड़ेंगे, अंतर पड़ेंगे। चौथे गुणस्थान जाति सम्यक दर्शन केवल 41 प्रकृतियों का संवर करा रहा है, ये भगवान की वाणी है क्या नहीं? जिस जीवात्मा के भीतर 41 प्रकृतियों का संवर हो चुका है, वहां चौथे गुणस्थान का ही सम्यक दर्शन रहेगा, न पंचम का रहेगा न छठे का रहेगा, ये भगवान की वाणी है क्या नहीं? तो इसको, वाणी तो उनकी है लेकिन उसको घटित करके हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन उठते चले जाते हैं। और ये चिंतन में आ चुका तो क्वेश्चन ही नहीं उठते, यदि आ गया क्वेश्चन नहीं उठेंगे, नहीं आया तो बहुत क्वेश्चन से हम भरे रहेंगे, उनसे पूछूं कि इनसे पूछे, इसने पूछ, और पूछ जिससे पूछा उसने बता दिया, उनको भी पक्का नहीं है, जितना आपको पता था वही फाइनल कर दिया उन्होंने भी, तो मेरा ठीक है कह करके निर्णय लोगे? नहीं, ऐसा नहीं, अनेकों से पूछो, आप चर्चा करो, डीप भी करो, सामान्य भी करो, करो चर्चा करो। व्यवहार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का प्रवचन आज तो मैं समझ रहा हूँ कि पूर्ण नहीं हो पाएगा, जो विषय रखा था वो फाइनली मुझे परिपूर्ण अकाट्य रूप से कहने के लिए, और अकाट्य रूप में ही भी, रूप में ही आपको पकड़ में आने के लिए एक प्रवचन और आवश्यक होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।